हेलो गाइस, स्वागत है आपका इशू सिंह ब्लॉग में। और मैं इशू आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। सो चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस, सुबह के अभी 5:15 हो रहे हैं, घड़ी यानी हाथ में देख रहे हैं घड़ी। तो सुबह के 5:15 हो रहे हैं और 5 बजे ट्रेन ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। तो वो थी लखनऊ मेल, तो वो इस स्टेशन पर रुकी थी 2 मिनट के लिए और हम यहाँ उतर गए हैं हरदोई में। अब हरदोई से हम लेंगे यहाँ से संडीला के लिए लोकल ट्रेन में जाएंगे बैठ के, तो संडीला उतारेगी, फिर वो संडीला से हम जाएंगे घर। सो अभी हम हरदोई में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये ट्रेन कब छूटती है। ये देख सकते हैं आप पीछे, ये इस ट्रेन में अब हमें जाना है। तो अब बताओ भाई, कैसा फ्रेश फ्रेश होंगे, उसका चेंज करेंगे कपड़े और अपनी बाइक निकालेंगे, अपाची से जाएंगे सीधा लखनऊ। तो गाइस, ट्रेन चल चुकी है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है और अब हमें यहाँ से जाना है। 60 किलोमीटर है दूरी यहाँ से, जहाँ हमको जाना है हर संडीला। और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, अगर हम ट्रेन में से बैठे तो 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक बंदर दूसरे बंदर को देख के भाग गया। तो गाइस, हम आ गए हैं संडीला स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उतर गए। अब हम बाहर जा रहे हैं और मैं देखता हूँ यहाँ से, मेरे को, मैं आया था इसकी सिस्टर की वेडिंग में इसके गांव। तो अब देखते हैं मेरे को यहाँ से रास्ता याद है या नहीं है। इस कितना टाइम हो गया था इस सिस्टर की वेडिंग को? 4 साल हो गए। 4 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और अब 4 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं, 4.5 साल हो गए। तो अब देखते हैं यहाँ से मेरे को कितना रास्ता याद है कितना नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं अभी घर, नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और भूख भी लगने लग रही है मेरे को। तो अब इसका पता नहीं इसको लग रही नहीं लग रही, मेरे को तो भूख लग रही है, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है मेरे को। और घर से मैं आए थे, ब्रश तो ले लिया था लेकिन उसके साथ पेस्ट लेना भूल गए थे, कोलगेट। तो अब यहाँ से दुकान से कोलगेट लेंगे, फिर ब्रश करेंगे। मैंने वैसे फेस वॉश से मुंह तो धो ही लिया था, मैंने भी इसमें भी धो ही लिया था, पर जो मेन काम था ब्रश करना, ब्रश तो कराई नहीं तो उसके बिना कैसे खा लेंगे। तो इसलिए अभी घर जाके पहले टूथपेस्ट लेंगे एक और फिर ब्रश व्रश करेंगे और फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होके आराम से नहा धो के फिर कुछ खाएँगे। खैर, अभी चाय तो पी लेते हैं, चाय पीने में क्या है, थोड़ी सी फ्रेशनेस और आ जाएगी, चाय पी लेते हैं। अभी चलते हैं दुकान में, चाय पियेंगे वो भी कुल्हड़ वाली। हाँ, कुल्हड़ वाली यूपी की चाय पियेंगे। और ठीक है, फिर बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम चाय पीते हैं कुल्हड़ वाली। तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल, मेरा रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तो मेरा नहीं दिख रहा, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो स्टेशन जैसे अभी बात ही कर रहे हैं हम, उतरा स्टेशन से, तो स्टेशन से इसका घर ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए हम अभी पैदल ही चल रहे हैं, अभी पैदल ही जाएंगे। और मैंने इसको बोला कि मैं कहा तू रास्ता मत बताइयो, देखता हूँ मेरे को कितना याद है रास्ता। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से और यहाँ से जाके अभी हम राइट की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी हमने दुकान पर जैसे हम थे, तो अभी ये हमने टूथपेस्ट लिया है, ये बबूल का टूथपेस्ट है आयुर्वेदिक। तो 5 रुपये का पड़ा है, बस 2 दिन चलाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसलिए हमने 5 रुपये का ले लिया। तो और हंसी की बात तो ये है, 10 रुपये का नोट दिया हमने और 5 रुपये बच रहे थे उसमें, तो मैंने कहा यार कुछ ले ले। तो ये क्या कह रहा है, एक बार इसको अच्छे से देखो कि शैम्पू ले ले। मैंने कहा यार तू शैम्पू लगाएगा कहाँ, शैम्पू ले ले। मैं कहा शैम्पू मेरे पास है, तू रहने दे। तो बस ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं चलते फिरते हैं। और वैसे भी हम स्कूल फ्रेंड हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बातचीत होगी, हंसी मजाक होगा। तो बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना,
पूरा देखना और लाइक करना वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया था, मैं देखता हूँ रास्ता मेरे को कितना पता है कितना नहीं, एकदम सही जा रहा हूँ, बिल्कुल रास्ता एकदम सही है जैसा कि मेरे को जितना याद है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है इसका मतलब। और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे, आप देखो यहाँ से फिर हम राइट मुड़ेंगे इधर, तो चलिए चलते रहते हैं। तो यो गाइस, हम अभी यहाँ पे हैं, फ्रेश फ्रेश हो गए थे सुबह, थोड़ा सा सुस्ता लिया था हमने, नहा धो लिया था, और अभी हमने जैसे कि बाइक निकाल रखी है पाचे, यही हम दिल्ली लेके जानी है, जिस काम से हम मेन पर्पज से आए थे उसको दिल्ली ले, अबे यार दिल्ली लेके जाएंगे, एक मिनट रुक जाओ इसको जाने दो यार। तो मेन पर्पस हमारा था बाइक को, ये जो अपाचे है इसको दिल्ली लेके जाने का, तो अभी हम कल रुकेंगे और परसों हम सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए, और यहाँ से अभी हम लेके जाएंगे बाइक, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ खुला के निकले, जैसे कि यूपी में वीकली लॉकडाउन लगा हुआ है सैटरडे संडे का, तो देखते हैं कुछ है या नहीं। अभी एक मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन होते हैं, नहीं होते तो वो तो बाद में पता चला। तो अभी इसमें पेट्रोल डलवाना है, इसको धुलवानी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बने रही वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस अभी हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने क्या सोचा कि चाय वाय के साथ हम यहाँ पे अभी खाने खा लेते हैं। यह है गुप्ता ढाबा जो है लखनऊ रोड पे, अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे। अभी हाईवे की रोडों पे यही काम होता है, टोनो या ट्रैक्टर आवाज़ आपकी कुछ करने नहीं देता। तो अभी हमने यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर दे दिया है, अभी यहाँ पे खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, मलियाबाद जाएंगे, और जहाँ का शायद आपने सुना भी हो या नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, मलियाबाद वहाँ के आम बहुत मशहूर होते हैं, तो वहाँ जाएंगे, और उसके बाद चंडिका देवी मंदिर, उसके बाद एक टेंपल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था, चंडिका देवी मंदिर टेंपल है, चंडिका देवी मंदिर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे उनके भगवान के। और कहाँ पर, ये माल रोड पर, लखनऊ माल रोड के पास है। तो चलिए अभी खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस भूख इतनी लग रही थी कि हम ना ये सब दिखाना ही भूल गए कि हमने रोटी मंगाई है, और ये दाल मखनी मंगाई थी, और अभी चावल मंगाए हैं, तो अभी चावल आ रहे हैं, ये खाते हैं। तो सॉरी गाइस, आपसे मैंने पूछा नहीं, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और क्या बताऊँ, भूख इतनी लग रही थी कि हमने वीडियो का मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, बस पेट पूजा और काम दूजा। अच्छा है वैसे भी पढ़ाई, आपको भूखे में कुछ भी खाओ सब कुछ अच्छा लगता है। तो गाइज हम आ गए हैं मलियाबाद में जहाँ पे होती है पूरे ज़्यादातर, मतलब कहाँ तक फैली थे मैक्सिमम, यहीं से सारे आम और अमरूद प्लांट जो है यहाँ के पूरे यहीं से सप्लाई होते हैं, और यहीं से जाते हैं अमरूद के भी, यहाँ पे अमरूद का और आम का बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट है, जैसे कि अभी मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये अमरूद का पूरा प्लांट है बहुत बड़ा, ये करीब 2 से 3 किलोमीटर पे ये फैला होगा प्लांट, और इससे पहले जो दिखाया था वो करीब 6-7 किलोमीटर प्लांट होगा वैसे ही आम का। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वाइट वाइट जाली सी लगा रखी है, ये अमरूद का प्लांट है सारा का सारा, और इसके और आगे इधर से 2 किलोमीटर उधर की साइड है आम का है, और ये जो है खेती करके पता नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है ऐसे क्या है, अगर टाइम होता तो मैं अंदर जाके और इसमें भी जाके आपको अच्छे से दिखाता, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ। और आपको पता होगा जब कोविड के चलते वो जो बकोरा से ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे एक मलियाबाद स्टेशन है, वहाँ पे इनकी शूटिंग हुई थी, और स्टेशन का नाम ऐसी बोर्ड टांगा था, शूटिंग हुई थी एडवर्टीजमेंट के लिए कि ये बकोरा है स्टेशन है, और यहीं से ऑक्सीजन गैस की थी, तो यहीं से शूटिंग भी हुई थी, और ये भी फिल्म स्थान की तरह बना दिया, यहाँ पे भी शूटिंग वूटिंग चलते रहती है, कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं आगे और फिर आगे जाएंगे मंदिर में। अभी हम घर से करीब करीब 30 से 32 किलोमीटर राइड करके आ गए हैं और अब यहाँ से और आगे जाएंगे घर पे जाके, फिर वहाँ से हम मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आम के सारे के पेड़ जा रहे हैं, तो ये हम बगीचों के बीच में से ही जा रहे हैं। ये सारे के सारे आम वाले पेड़ हैं और यही सारे के सारे प्लांट हैं, यहीं से आम भी सप्लाई होते हैं, सब कुछ होते हैं। मैं देख जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए आम, ये भी आम का पेड़, ये भी आम का पेड़, दोनों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा आम का पेड़ का रास्ता है, ये भी आम के पेड़ के रास्ता है, ये रखा है पूरा का पूरा। जैसे कि दिल्ली में आपने सुना होगा या तो देखा होगा, एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी जो है आज़ादपुर सब्जी मंडी, एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर ज़्यादातर ये मलियावादी आम यहीं से सप्लाई होते हैं। मलियावादी आपने सुने भी होंगे कि मलियावादी आम ले लो, मलियावादी आम है, मलियावादी के आम है, तो सारा मलियावादी जो आम है वो यहीं से आता है। आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में दूर दूर तक ये सारे के सारे आम के ही पेड़ हैं, आम के ही पेड़ सारे के सारे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पूरा रास्ता जो जा रहा है दूर दूर तक, ये यहाँ से आपको आम के पेड़ के अलावा और कोई ज़्यादातर दिखेगा ही नहीं, आम के ही पेड़ दिखेंगे। अगर आप अगर यहाँ पर आँख बंद करके भी किसी की तरफ भी चेहरा घुमाएंगे ना, आपको आम के पेड़ ही दिखाई देंगे। और ये देखिए ये अमरूद के पेड़ हैं सारे के सारे, इसमें अमरूद उगते हैं, अमरूद और आम ये ज़्यादातर फेमस है यहाँ के, तो यहीं से सब कुछ सप्लाई होते हैं। देख सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं ये भी किसान नर्सरी, देखा आपने बोर्ड भी लगा हुआ था। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा अमरूद के ही हैं, ये सारे अमरूद के हैं, भी ये पौधे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ये धीरे धीरे बड़े होंगे। तो मतलब यहाँ पे सारा प्लांटेशन होता है इनका सबका, तो यहाँ पे सब सप्लाई होता है हमका। ये देखिए आप कैसे बना रखे हैं सारे के सारे, ये सब कुछ यहाँ पे होता है, ये सारे आम के पेड़ हैं। तो चलती ये चीज़ है, ये देखिए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो नदी है और ये जो फ्लाई ओवर बन रहा है नदी के ऊपर, देख सकते हैं ये नदी दिख रही है आपको, ये नदी है, ठीक है। और पीछे से देख लो कितनी लंबी, कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी नदी है, ये लखनऊ की गोमती नदी है जहाँ पे हम अभी जिसके ऊपर खड़े हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़े से फोटोशूट करेंगे और ये फोटो सेशन मेरा देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा मैं इसमें, तो जाइए मेरे को फॉलो कीजिए, मेरी फ़ोटो सेशन देखिए। और हम यहाँ पे करते हैं फोटोशूट और इसी नदी के साथ, गोमती नदी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। तो आपको जो हम मंदिर लेके जाएंगे तो मंदिर जाते हैं, अभी जो चंडी का मंदिर है जो हम जा रहे थे, तो उस वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो चंडी का मंदिर वाली, चंडी का देवी वाली मंदिर जो वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले और आप मिस ना करें। तो मैं लेता हूं गुड बाय आपसे और अब मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।